पिकअप वैन के आगे एक बड़ी सी तस्वीर में मालाएं लगी है, साथ में गाड़ियों का काफिला और कुछ लोगों की भीड़। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ शहादत को लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये अंतिम यात्रा है दुर्दांत अपराधी मंगेश यादव की। वही हिस्ट्री शीटर जिसका 5 सितंबर को सुबह सुबह यूपीएसटीएफ ने काम तमाम किया था। दरअसल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो उस घिनौनी सियासत का हिस्सा है जिसे और किसी ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने शुरू किया है, ठीक उसी दिन जिस दिन मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ। हिस्ट्री शीटर मंगेश का एनकाउंटर क्यों और कैसे हुआ वो बताएंगे, लेकिन पहले पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों की क्रोनोलॉजी समझिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव की इस पोस्ट के टाइम और तारीख पर गौर कीजिए। 28 अगस्त शाम के 4:36 एक वीडियो लिंक के साथ अखिलेश यादव ने लिखा, सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात का जिक्र किया और इसके जरिए यूपी में योगी राज के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव जिस क्राइम को लेकर योगी सरकार पर हमलावर थे उस घटना की ये लाइव तस्वीरें हैं। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान पर करोड़ों की लूट हुई। शॉप में घुसे 5 बदमाशों में से 3 ने हेलमेट पहन रखा था जबकि एक का चेहरा गमछे से ढका हुआ था और एक ने सिर पर गमछा लपेटे हुए था। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर बैग में ज्वेलरी और कैश भरे और 10 मिनट में करीब 1.5 करोड़ का माल साफ कर चलते बने। अभी हमारी जो टीम्स काम कर रही हैं प्लस जो फॉरेंसिक एविडेंस मिले हैं प्लस कुछ जो हमें शुरुआती सुराग मिले हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर हम लोग हमारी टीम्स काम कर रहे हैं। वारदात के फौरन बाद योगी की पुलिस एक्टिव हो गई। बदमाशों की खोजबीन और धरपकड़ के लिए खोजी कुत्ते लगाए गए। क्राइम ब्रांच समेत 6 टीमें आरोपियों की खोजबीन करने लगी। बदमाशों के गैंग के सरगना विपिन सिंह ने गैंगस्टर के एक मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 4 सितंबर को आरोपी दुर्गेश प्रताप सिंह भी कोर्ट पहुंच गया और वहां अपनी गिरफ्तारी दे दी। 3 और बदमाश का पुलिस ने एनकाउंटर किया जहां घायल होने के बाद उन्हें पकड़ लिया गया, लेकिन मंगेश यादव ने चालाकी दिखाई और यही उसको भारी पड़ गई। 5 सितंबर की सुबह सुल्तानपुर के मिसिरपुर पुराना इलाके में उसकी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई। उसने एक पिस्टल और तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग की। फिर क्या था, एसटीएफ के जवाबी फायरिंग में मंगेश यादव ढेर हो गया। एनकाउंटर में मारे गए मंगेश की क्राइम कुंडली लंबी चौड़ी है। मंगेश यादव 1 लाख का इनामी था। उस पर जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में केस दर्ज थे। मंगेश पर चोरी, लूट, डकैती जैसे संगीन अपराधों के मुकदमे थे। 2022 में सुल्तानपुर के करौदी कला थाने पर उस पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। 5 सितंबर की सुबह 3:25 पर मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है और सुबह 9:15 पर अखिलेश यादव का एक और सोशल मीडिया पोस्ट आता है। इस लंबे चौड़े ट्वीट के साथ अखिलेश जाति वाला नैरेटिव लेकर आए और सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर को ही फेक बताने लगे। एक कुख्यात अपराधी के मारे जाने पर जहां इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली होगी तो वहीं अखिलेश यादव बेचैन थे। शाम होते होते एक और सोशल मीडिया पोस्ट किया। 5 सितंबर शाम 7:40 पर उन्होंने एक्स पर लिखा, 2 दिन पहले जिसको उठाया एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या की गई, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासनीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाएं। यानी शाम होते होते अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सीधा सवाल उठा दिया। इतना ही नहीं, 6 सितंबर यानी शुक्रवार को जौनपुर में मंगेश यादव के घर पर समाजवादी पार्टी की एक हाई लेवल टीम तक भेज दी गई। यूपी विधान परिषद में नेता विपक्ष लाल बिहारी यादव की अगुवाई में ये टीम गैंगस्टर मंगेश के परिवार वालों से मिली और अपराधी के जाति वाली नैरेटिव को एक बार फिर हवा देने की कोशिश की गई। पुलिस यहां से उठा के ले गई और हत्या करके
पुलिस अभिरक्षा में हत्या करके लाश को यहाँ पर पहुँचा दिया। इसलिए हमारी ये मांग है कि जो हत्या पुलिस अभिरक्षा में मंगेश यादव की हुई है उसकी FIR दर्ज हो और जो पुलिस कर्मियों ने हत्या किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, यही हमारी मांग है। और इसीलिए हम जो है यहाँ पर आए हुए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर। मंगेश के एनकाउंटर पर विपक्ष ये नैरेटिव बनाने में जुटा है कि वो यादव था इसलिए उसका एनकाउंटर हो गया। एक दुर्दान के एनकाउंटर से इलाके के लोगों की खुशी इन तस्वीरों से समझी जा सकती है। STF के जिस जाबाज डिप्टी SP ने हिस्ट्री शीटर मंगेश यादव को ढेर किया उन्हें लोकल लेवल पे सम्मानित किया गया। किंचित घटनाएं हो जा रही हैं जिसका पुलिस बहुत सफलतापूर्वक अनावरण कर रही है। जो जिस लायक है उसको जो जेल जाने लायक है या जो पुलिस को गोली चला उस तरह से उसका जवाब दिया जा रहा है। एक तरफ गैंगस्टर का एनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसर को लोग सम्मानित कर रहे हैं तो दूसरी ओर इस मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया की बेचैनी बढ़ती जा रही है। शनिवार यानी 7 सितंबर सुबह 9:25 पर अखिलेश यादव ने फिर एक पोस्ट किया। एक वीडियो लिंक के साथ उन्होंने एक बार फिर सुल्तानपुर लूटकांड पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव जी ने सवाल भी उठाए और आज तो उस जिस व्यापारी के पास लूट हुई थी उसका एक वीडियो भी वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि लूट का सामान नहीं मिला, तो लूट का सामान कहाँ है? जितने आरोपी थे एक एनकाउंटर में मार दिया जाता है और उसे पकड़ जाते हैं, जब पकड़ गए एक मार दिए गए तो लूट का सामान कहाँ है? लूट का सामान क्यों अभी तक उस व्यापारी को नहीं मिला? क्यों आधा अधूरा सामान मिला है? इन सवालों का जवाब कौन देगा? अपराधी के ऊपर कितने मुकदमे लगे हैं ये नहीं देखने का काम करते हैं। हम जब कहते हैं कि वो गैंगस्टर था तो कहते हैं हमारी जात का था। हम कहते हैं उस पर 1,00,000 का इनाम था, वो कहते हैं हमारी जात का था। हम कहते हैं कि उस पर पुलिस पर गोली चलाने का आरोप है, वो कहते हैं वो हमारी जात का था। हम कहते हैं उसने लूट की थी, वो कहते हैं हमारी जात का था। ये हमारी जात का बताना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राजनीति में इस प्रकार की बेशर्मी कहीं और दिखाई नहीं पड़ती। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में लूटपाट करने वाले आरोपियों में मंगेश यादव ही अकेला नहीं था, बाकी आरोपी भी थे जिनकी पहचान अखिलेश यादव ने नहीं बताई। अंकित यादव, अजय यादव, अरविंद यादव, फुरकान, अरबाज, विवेक सिंह और विनय शुक्ला, ये तमाम नाम थे बताने के लिए। लेकिन मजाल है PDA की आड़ में जाति की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव इनके लिए कोई शब्द बोल पाते। अरे इस पार्टी को मैं बता दूं, छबिराम यादव, महावीरा यादव, अनार सिंह यादव, ये जितने अपराधी थे 80 और शुरुआती 90 के दशक में, ये कौन थे? और जब वो मारे जाते थे उनको पालने वाले गिरफ्तार होते थे तब एंटी डकैती एरिया एक्ट बनी थी, उसमें प्रताप सिंह मंत्री होते थे, कार्रवाई होती थी। इनके पिताश्री कहते थे कि एक बिरादरी को देख करके उनको ऊपर कार्रवाई। तो इतिहास इस पार्टी का, और इनके अखिलेश जी के कार्यकाल में DSP जियाउल हक मारे जाते थे, इंस्पेक्टर राजकुमार फतेहगढ़ में मारे गए, गो तस्करों ने मनोज मिश्रा SI फरीदपुर को मार डाला, सचिन गौरव मार डाले गए कवार में, पकड़े गए अपराधी, इनके मुस्लिम मंत्री ने छुड़वा दिया, परिणाम हुआ दंगा। तो ये जाति बिरादरी के राजनीति अखिलेश यादव इनकी पार्टी करती है। UP में मार्च 2017 यानी योगी सरकार बनने के बाद से अप्रैल 2023 तक 183 अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। इनमें 183 अपराधियों में 61 मुसलमान, 18 ब्राह्मण, 16 ठाकुर, 15 जाट और गुजर, 14 यादव, 13 दलित, 3 ट्राइब्स, 2 सिख, 7 OBC, 34 अन्य शामिल हैं। यानी योगी की पुलिस सरनेम पूछकर गोली नहीं मारती, बकायदा केस की स्टडी करती है, आरोपी की हिस्ट्री खंगाली जाती है, अपराध कितना बड़ा है ये भी देखा जाता है, लास्ट ऑप्शन दिया जाता है सरेंडर करने का, इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता तो हिसाब ऑन द स्पॉट होता है। यही टाइमलाइन रही मंगेश यादव के साथ